Hello everyone, good afternoon, a very good afternoon, my dear kids, lovely kids out there. How are you all? Hi Soumya, Anu Singh, hello, achha. Anu Singh, hi. I hope all of you are able to hear me properly. Am I visible? Am I audible? Yes, no, yes. Kids, are you able to hear me? आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, everyone. A very good afternoon. A very good afternoon, all my kids out there. मेरा नाम ले लो. Yes, Mantu Agarwal. Hey, Pushpendra. Yes, सुन पा रहे हो? और देख पा रहे हो सब लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नीट 2020 हैज बीन डिसाइडेड नाउ. फेट भी उसको बदल नहीं पाएगा अब. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर 13 सितंबर. यस एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, यस, ग्रेट, ओके, कूल. सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड, मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ रैंक बूस्टर सीरीज. आज है डे वन, ठीक है. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सॉल्व 100% एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस. हर एक यूनिट को ले रहे हैं और उस यूनिट के कुछ चैप्टर्स को. सो प्लांट फिजियोलॉजी हैज हाउ मेनी चैप्टर्स एवरीवन? प्लांट फिजियोलॉजी के कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर है. उसमें से हम कितने चैप्टर्स करने वाले? एनी आइडिया टुडे विच चैप्टर्स आर वी गोइंग टू सॉल्व? इन टेलीग्राम यू गॉट द मैसेज. यस मुस्कान, यस. एनसीईआरटी बेवफा नहीं है, एनसीईआरटी ही ऐसी है जो आपसे वफा कर सकती है, ठीक है. 5 है, वेरी गुड. मंटू अग्रवाल, नाम से पहले बताओ क्या है काम. 2 चैप्टर करने वाले हैं, वेरी गुड. रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो रेडी फॉर टुडेज सेशन एवरीवन. सो उससे पहले क्या करना है, इन द चैट बॉक्स माय डियर किड्स माहौल बनाना है. एंड यस, 13 सितंबर आ गया है. सो आई हैव वन मोर सेशन फॉर यू आफ्टर दिस सेशन. 4:30 आई विल बी देयर विद अ मोटिवेशनल सेशन, ठीक है. थोड़ी बातें शातें करेंगे, विल हैव अ टॉक, ठीक है. विल सी व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी. सो वो सेशन अटेंड करना मत भूलना. लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, क्लियर एवरीवन? सी आई कैन सी 220 स्टूडेंट्स राइट नाउ. और स्टूडेंट्स आ जाओ फटाफट से आ जाओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट. आज का मेंटी कोड है 9718725. 9718725 इज टुडेज मेंटी कोड. एंड यस, वी विल स्टार्ट विद रैंक बूस्टर सीरीज. डे वन है, ऐसे 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा. एंड वी विल कवर एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके. पूरा बॉटनी बिफोर 13 सितंबर, क्लियर? यस एवरी वन, माहौल. यस पुष्पेंद्र, वेरी गुड. बट हाँ जी, इतनी मेहनत कर रही है दीक्षा मैम, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार चैनल को. कर दोगे एक सब्सक्राइब चैनल को एवरी वन? दोज हैव नॉट सब्सक्राइब्ड. अब जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो वापस कैसे सब्सक्राइब करेगा, है ना? फिर उससे तो वापस अनसब्सक्राइब हो जाएगा, वापस मत करना, ठीक है. सो यस, क्लिक द बेल आइकन ऑल. एंड यस, वी आर रेडी फॉर द मेंटी. यस एवरी वन, एंड वी नीट ऑफिशियल पे चले जाना सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट, ओके. आज मैम ने एक सुंदर सा वीडियो मैसेज भेजा था अभी 10 मिनट्स पहले. देखा था वीडियो मैसेज? किस किसने देखा था? यस सौम्या, वेरी गुड. हे सुरेश, वेलकम टू द सेशन. हां जी, 2 मंथ्स पहले ही कर लिया था, वेरी गुड. ईशा, वापस करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा. ब्रांड न्यू स्टूडेंट, ओके. आई एम नॉट अ ब्रांड न्यू टीचर नाउ, आई एम अ ओल्ड टीचर. अपर्णा इज अ ब्रांड न्यू स्टूडेंट. अपर्णा, वेलकम टू द सेशन, ठीक है. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम. एंड यस, ये क्रैश कोर्स अभी भी बहुत डरे हुए हो नीट 2020 के बच्चे. सो लाइटनिंग डील 1999, यूज द कूपन कोड DKCC एंड गो टू द लिंक, ठीक है. VGNT.in/NEETCC. पहले लिंक पे जाओगे या पहले कूपन कोड? एवरीवन, पहले लिंक पे या पहले कूपन कोड? हाय सोनाली, हाय बच्चे,
पावर स्टार, ओ माय गॉड, ओके, मेंटी कोड इज 9718725 एंड यस वी ऑल्सो हैव 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है. अगर किसी को 1 ईयर की क्लासेस लेनी है हिंदी इंग्लिश आप बिल्कुल फ्री हो, एक आप वेदांतु के रोड पे आ जाते हो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेके, मतलब बिल्कुल हाईवे है और वेदांतु के ये हाईवे हैं बहुत सारे, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम. फॉर दैट यू नीड टू गो टू द लिंक vdnt.in/ytpro एंड कूपन कोड इज DKPRO सो दैट यू कैन अवेल दैट एट 27,000 1 ईयर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ये आज का कैलेंडर है गाइज, आई एम टेकिंग द सेशंस, ये वाला 100% एक्सपेक्टेड बॉटनी MCQ एंड उसके बाद 4:30 बजे शार्प लास्ट 15 डे स्टडी प्लान एंड रिविजन स्ट्रेटेजी फॉर NEET 2020. सो रेडी स्टडी गो, ओके. सो ऑल ऑफ यू गो टू menti.com. आज का कोड है बच्चों 9718725. मेरा नाम ही नहीं ले रहे हो, चारुल शर्मा, मैंने आपका नाम ले लिया, चलो आई हैव टेकन योर नेम. सो रेडी रेडी स्टडी पो, राइट, रेडी स्टडी पो गाइज, आई एम वेटिंग फॉर द प्लेयर्स, मैम इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. अरे मेरी प्रॉब्लम सुन लो, हाँ किट्टू आपकी प्रॉब्लम मैंने कमेंट में पढ़ा था बच्चे, यस ब्लर इनटू सैम, हाय गीता, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स एंटर द क्लासरूम, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स. आज का लीडर कौन होने वाला है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर डैश ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी. Yes, you're from Haryana, Sachin. I am from West Bengal. I am from India. Come on, join the code. Join the Menti and apply the code. Code use kar lena 97, 18, 72 and 5. Okay, I can see so many of you answering in the chat box. Yes, chat pe answer hona chahiye, bacho. You still have time left with you. Yes, come on, come on. Show the josh. Show some josh. I don't know why. Why, तो बहुत टेस्टी होती है. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बच्चों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होता है. रेस्पिरेशन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस. एनीवन इन द चैट बॉक्स, माहौल, यस, तो माहौल ये कहता है कि मेरे बच्चों रेस्पिरेशन जो है एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है. 143 स्टूडेंट्स हैव गिवन ए, बट यू कैन सी 104 सेइंग मैम बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, इट्स ओनली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है. सो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट योर फोन, लुक एट योर स्क्रीन, वॉट एवर स्क्रीन यू यूजिंग. इफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज, तो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कैसा होगा? इज इट कार्बोहाइड्रेट, इज इट फैट, इज इट प्रोटीन, इज इट ऑर्गेनिक एसिड, व्हाट डू यू थिंक? यस निर्मा, कम ऑन, यस एवरीवन, सनी, दलजीत, अर्नव, कपिल, श्रुति, सुब्रता, I can see so many of you answering in the chat box. Menti पे answer करना भी जरूरी है. I can see 2, 1 and time. विश्वनाथ, मेरा नाम लो, तो मैम ने नाम नहीं लिया है. चलो, so who can tell me why organic acid के लिए volume of CO2 is more and volume of O2 is less? क्योंकि हम respiratory question जब निकालते हैं, you all know about respiratory question. What is the respiratory question for protein? Anyone? Protein के लिए क्या है? Anyone? What is that for protein? Pizza, question is very easy. How many of you know respiratory question? Volume of CO2 by volume of O2. ठीक है? Carbohydrate के लिए कितना? मात्र एक. Proteins के लिए 0.8 to 0.9. Fats के लिए 0.7. But when you come to organic acid like oxalic acid, right? उनके लिए हो जाता है बिल्कुल 3 से ऊपर. 1 से ज्यादा, 3 से ऊपर. तो न्यूमरेटर जब ज्यादा होगा तभी रिजल्ट आएगा 3 या 1 से ज्यादा. करेक्ट एवरीवन, यस दलजीत, मयूरा नाम लो, दलजीत का नाम मैंने ले लिया. चलो, सो लेट जस्ट मूव अहेड एंड लेट जस्ट सी द लीडर बोर्ड. पहला लीडर बोर्ड फॉर द रैंक बूस्टर सेशन 1, ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बस उस चैप्टर के क्वेश्चन है यहाँ पे, 20 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दोस टू चैप्टर्स. आई कैन सी एम फॉर एम्स, बेयर फूट, ओके,
बोटी एस आर स्टिल होप नथिंग गोज ओके पफी एक्सिस्टेंशियल केक एंड श्री. अच्छा मुझे ये बताइए आप ये नाम लाते कहाँ से हो. यस शिप्रा ये नाम आपको आते कहाँ से है भाई. यस रजनी चारुल आई हैव टेकन योर नेम. यस फ्रॉम वेयर यू गेट दोज नेम्स. चलो सो लेट जस्ट गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. यस किटू डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट. चलो आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम शोइंग एटीपी सिंथेसिस एंड ऑक्सीजोम्स. रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है राइट. ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम शोइंग एटीपी सिंथेसिस इन ऑक्सीजोम्स. ए इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. बी इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ए इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. बी इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ए इज सेल साइटोप्लाज्म. बी इनर मेम्ब्रेन. A is cell cytoplasm, B is outer membrane. Come on, समय बीतता जा रहा है मेरे बच्चों. Yes, hello गीता. कोड एंटर कर लेना जो बच्चे लेट आ रहे हैं 9718725. Yes everyone, the correct answer for this question is B. A जो था वो था आपका mitochondrial matrix. और बी जो है वो आपकी है मेम्ब्रेन. है ना मेम्ब्रेन पे क्या होता है एफ जीरो और एफ वन. एनी वन एफ जीरो एफ वन इज द एटीपी सिंथेस. एफ जीरो कहां पे होगा एफ वन कहां पे होगा. हाय हाय प्रियंका गो टू द मेंटी डॉट कॉम एंड यूज द कोड. यस लव यू बच्चे लव यू. थैंक यू ब्लर. एफ जीरो वेरी गुड. और F1 बाहर की तरफ है ना. इफ यू सी द प्रीवियस क्वेश्चन क्या हम कर सकते हैं लेट्स सी. ये तो हमने देख लिया था. या सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स A है और B है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर है F0 F1. ऑल ऑफ यू विश्रुता गो टू menti.com एंड कोड यूज कर लो बच्चे. मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. भैया करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ठीक है. वाइन सिडर बियर रम इनके सोर्स क्या है. वाइन सिडर बियर रम एंड कॉलम टू में यू हैव एप्पल ग्रेप्स मोलासेस सीरियल्स. मैम फिर से बता रही है कॉलम वन में है वाइन सिडर बियर रम. जल्दी से मैच करो. कॉलम टू में है एप्पल ग्रेप्स मोलासेस सीरियल्स. वाइन कहां से मिल रहा है सिडार कहां से मिल रहा है बियर कहां से मिल रहा है और रम कहां से मिल रहा है. मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. ओ आई कैन सी 121 ऑफ यू बट 116 स्टूडेंट्स को लगा कि ये तो सही होगा. अच्छा बियर का सोर्स क्या है. एनीवन इन द चैट बॉक्स इट्स वेरी इजी. बियर का सोर्स क्या है बच्चों. लोकतंत्र. शमा आश्मी यस ईस्ट. बियर बियर का सोर्स क्या है मतलब कौन से सोर्स से आप बियर बना रहे हो. ईस्ट इज एक्टिंग ऑन विच फूड. नहीं सीरियल्स. वेरी गुड सुभाश्री. वेरी गुड सौम्या. वेरी गुड सौमिका. ओके वाइन वाइन के लिए वाइन के लिए वाइन के लिए बच्चों वाइन 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 ग्रेप्स राइट. वाइन के लिए ग्रेप्स हो गया. बियर इज फ्रॉम सीरियल्स. सीडार इज फ्रॉम एप्पल और रम इज फ्रॉम मोलासेस. क्लियर. यस सोहन ग्रेट. सो लेट जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट उससे पहले एज यूजुअल वी आर गोइंग टू डू द लीडर बोर्ड स्टॉप. वी आर गोइंग टू सी इट क्या है लीडर बोर्ड का सिचुएशन. अभी लीडर बोर्ड का सिचुएशन कुछ ये है कि बेयर फुट आ गए हैं ऊपर अब. ओके खाली पैर अब ऊपर आ चुके हैं. और एस आर फ्रॉम केरला. अपर्णा एम फॉर एम्स. शुभाश्री. अम्मा लव. राम आशीष शर्मा. एजेंट वी दिव्या. डॉक्टर ईशान एंड डॉक्टर समीर. चलो बच्चे और एक कर ले. लव यू चारुल. और एक क्विज कर लेते हैं.
सानू मैम ने मेरा नाम लिया। अच्छा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन ऑब्लीगेट एनारोब, इसमें से ऑब्लीगेट कौन है? तेरी मेरी बनती नहीं, तेरे बिना चलती नहीं। ओके, सो विच इज एन ऑब्लीगेट एनारोब? सैकेरोमाइसिस सेरेबेसे, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, एजेटोबैक्टर एंड बेजरिनिकिया। बेजरिनिकिया, ओके। लव यू नीरमा गर्ग। चलो चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, फटाफट से मेंटी करो, नीट आने वाला है, आ गया है, ठीक है। यस अंकिता, आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस विच यू हैव, विच वन इज एन ऑब्लिगेट एनारोब? यस कैरी भाई, फ्रॉम वेयर यू गेट दोज नेम्स मैन? ओह ग्रेट, सो आई कैन सी ओनली सही दिया है 66 स्टूडेंट्स ने। आपको कैसे लगा कि ईस्ट एक ऑब्लिगेट एनारोब है, या फिर एजेटोबैक्टर, या फिर बेजरिनिका? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कॉजेज विच डिजीज इन द चैट बॉक्स? आई वॉन्ट द आंसर। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है? एनीवन इन द चैट बॉक्स? थैंक यू मोनू। यस यस प्रज्ञा, टेल मी द आंसर। टेटनस, वेरी गुड। तो टेटनस कॉज करने के लिए टेटनस किस में होगा? प्लांट्स में होगा। विल टेटनस हैपन इन प्लांट्स? बताओ मुझे, अपनी डीजी मैम को ये बात बता दो, क्या टेटनस? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी इज बेसिकली कॉजिंग टेटनस इन ह्यूमन बींग्स, ओके, वेयर देयर इज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम, ठीक है। यस वेरी गुड, एनिमल ह्यूमन बींग्स, यस यस। चलो, सो नो प्रॉब्लम बच्चे, हो जाता है। बट ऑब्लिगेट का मतलब होता है इट के नॉट लीव विदाउट द होस्ट, है ना, उसको वो होस्ट चाहिए ही चाहिए, उसी होस्ट के पास उसकी यू नो काम होता है, उसी के साथ उसकी चलती है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, इसमें से इनकरेक्ट मैच्ड पेयर कौन सा है? यस दलजीत, यू टू। स्लीपिंग सिकनेस नहीं गीता बच्चे, कम ऑन, क्वेश्चन शुरू हो गया। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्लस इज गिविंग इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनकरेक्ट है क्या? इनकरेक्ट देखना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड प्लस CO2। ऑब्लिगेट एनारोब, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 1, देखो घुमा घुमा के, कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसीलिए मैंने घुमा घुमा के क्वेश्चन लेके आई हूं मैं, ठीक है। यस यस गौतम, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, ओके। वाई गाइज, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का ये वाला बी वाला इनकरेक्ट क्यों है, क्या डीजी मैम को बताओगे? यस मुस्कान, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अनिल हाय, वेलकम टू द सेशन। हाय जुबेरिया, कम ऑन गिव द क्विज, घुमा के आंसर दिया है हमने भी। ओ हो, क्या बात है अरविंद, वेरी गुड वेरी गुड। CO2 नहीं होता लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, नो कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड। लेट जस्ट सी द लीडर बोर्ड, आज की जंग में जाबाज सिपाही जो है, क्या बेयर फुट अभी भी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं? नो, यू कैन सी द टर्न लीडर बोर्ड नाउ। अपर्णा सोलंकी, राम आशीष शर्मा, अमलव, सुभाषी, नैना, ईशान, गौरी, ABCD, SR फ्रॉम केरला एंड बेयरफुट। डोंट वरी, डू हार्ड वर्क, करो डू हार्ड वर्क एंड देन गेट द पॉइंट्स, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवेंथ क्वेश्चन इज हियर, वी हैव 20 क्वेश्चन। रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस, इट ऑकर्स आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज इन एनारोबिक फेज, ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाई आइसोमरेज एंजाइम। घुमा घुमा के एवरी टाइम आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, अगर आप मेरे प्रीवियस मेंटी के वीडियोज देखोगे, मोस्टली आई हैव आस्क्ड यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू रेस्पिरेशन, व्हेन इट कम्स टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यस कम ऑन एवरी वन इन द चैट बॉक्स, CCC, DDD, CDCD. ओके, आई कैन सी मेनी ऑफ यू 171 लोगों ने, वाई? बिकॉज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कौन सी एंजाइम करती है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, विच एंजाइम? कम ऑन, डी इज द करेक्ट आंसर। यस
बाई हेक्सोकाइन इज ग्रेट हिमा, वेरी गुड संतोषी, हेक्सोकाइनेज यस। और एक आया बीच में मैम लव फ्रॉम उड़ीसा, थैंक यू सो मच। सो लेट जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट मेंटी, क्वेश्चन नंबर 8, रैंक बूस्टर का, आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा यू नो कन्वर्शन एटीपी सिंथेसिस को इन्वॉल्व करेगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वेयर यू कैन फाइंड एटीपी सिंथेसिस। सबका ध्यान अपने फोन पे, डीजी मैम की तरफ नहीं, गो टू द menti.com। आइयो वन सेकेंड, कुछ तो हुआ, जस्ट अ मिनट, 5 हो गया था, कुछ आगे पीछे हो गया, राइट, या दिस वी डिड, ओके। Yes, I can see 105 students has given the answer, 1,3-bisphosphoglycerate, 1,3-bisphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid, and यहाँ पे होता है ATP synthesis. Okay, very good. So which ATP is that? Is it exactly ATP or is it a NADH? Anyone in the chat box? Is it ATP or is it NADH? In the chat box. Come on. Yes, glucose, glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, you have glyceraldehyde 3 phosphate, you have 1,3 bisphosphoglycerate, okay, and 3 phosphoglycerate, वो actually में NADH होता है, but when you take to electron transport, है ना, तो 1 NADH is equals to how many ATP guys in the chat box, 1 NADH is equals to, Tanisha, very good, Tanishka is saying 3 ATPs, very good. वेरी गुड, ठीक है, वो एक्चुअली में एटीपी फॉर्मेशन है बट इट इज कपल्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं क्या है सिचुएशन, लीडर बोर्ड में क्या कुछ बदलाव हुआ है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र है ना, यस इट हैज चेंज एंड आई कैन सी गौरी, एबीसीडी, अपर्णा, एम फॉर एम्स, बेयरफुट, ईशान, राम, एजेंट, नैना, ऋषिता, ओके ग्रेट, सो रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एक्विल, अगर आप सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात करोगे तो इट्स 2। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस एनएडी पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस मैग्नीशियम आयन, ए प्लस बी प्लस एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव। ये ए और बी क्या है मेरे बच्चों, वॉट इज दिस ए और बी, इज इट ए पी पी एंड बी सीओ टू, इज इट ए एसिटाइल को ए बी सीओ टू, इज इट ए सीओ टू बी एच टू ओ, इज इट ए एसिटाइल को ए एंड बी वॉटर। ओ माई गॉड, यू विल बी लाइक सरप्राइज, मतलब मैम तो बहुत खुश हो गई यार, सो वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आई एम वेरी हैप्पी, ये आप सबको याद है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके, ऑसम, सो बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बिकॉज इट्स अ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए वाला रिएक्शन है। वंस पायरुवेट इज फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म, वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बच्चों, पायरुवेट से जब एसिटाइल कोए बन रहा है और पायरुवेट कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में, आगे क्या हो रहा है, कम ऑन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। अमित मेंटी कोड है 9718725, बच्चे वहां पे फ्लैश हो रहा होगा मैसेज, सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, ए सक्सिनाइल कोए को जब हम सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, बी आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, सी ऑक्सैलोसक्सिनिक से अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड और डी मैलिक एसिड से ओएए। कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, माहौल बना दो, बिल्कुल आंसर्स की छड़ी लगा दो। शमा हाशमी, यस अंकिता, वेरी गुड, ये द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सक्सिनाइल कोए वाला जो स्टेप होता है टू सक्सिनिक एसिड, व्हाई इट्स अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एनीवन,
हम इसको सबस्ट्रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सबस्ट्रेट यूज करके हम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं एंड वी आर फॉर्मिंग अ जीटीपी। याद आया, क्रेब्स साइकिल याद आ गया, जीटीपी फॉर्म कर रहे हैं। यस ईशा, चलो सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड जिया, लीडर बोर्ड देख लेते हैं क्या सिचुएशन है अभी लीडर बोर्ड पे, कौन है जो लीडर बोर्ड को एकदम रंगीन कर रहा है। सो आई कैन सी गौरी, एबीसीडी, बेयरफुट, ईशान, हेलो, रिशिता, नैना, एजेंट, एसआर एंड फिदा। सो मैं फिदा हो गई हूँ यार आज के परफॉर्मेंस पे आप लोगों पे। आई एम सो हैप्पी एंड लेट जस्ट गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। दोज हु वांट टू चेंज द फेट ऑफ लीडर बोर्ड है ना, दोज हु वांट टू चेंज द फेट ऑफ नीट 2020, द हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इज। ओहो महाशिया, यस, ग्रेट, द हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस वो क्या है, इज इट IAA, इज इट GA, इज इट ABA, इज इट D ऑप्शन फॉर। मैम ने कुछ फुल फॉर्म नहीं दिया, मैम ने शॉर्ट फॉर्म्स दे दी है, आप बताओ कौन सा होगा वो हॉर्मोन, कौन है वो हॉर्मोन। यस वैशु, टाइम्स अप होने वाला है। ओके आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू सेइंग मैम ए है, कोई बोल रहा है मैम बी है, बी बोल रहा है कोई, तो बी तो कोई नहीं बोल रहा है, टाइम तो अप हो चुका है। आई कैन सी 292 ऑफ यू सेइंग IAA, व्हाट इज IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वॉज। केरला लव्स यू मैम, थैंक यू फेसिन। चलो एक और क्वेश्चन आ गया है, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। यस इट्स ए, दनिश IAA इज ऑक्सीन, बस इतना याद रख लो, ऑक्सीन क्या कर रहा है, टिप पे हेल्प करता है इलोंगेशन के लिए, रूट टिप, शूट टिप। दिस क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीन ऑन प्लांट इज द बेसिस फॉर देयर कमर्शियल एप्लीकेशन। ए कैलस फॉर्मेशन, बी कर्वेचर ऑफ स्टेम, सी इंडक्शन ऑफ रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग्स एंड डी इंडक्शन ऑफ शूट फॉर्मेशन। कम ऑन इन द चैट बॉक्स बच्चों, माहौल बना दो चलो फटाफट से, और क्या होगा इसका आंसर। अच्छा ये देखो, अभी कोई कह रहा था द करेक्ट आंसर इज सी एंड समवन वाज सेइंग कैरी मिनाती का सी। इतने शैतान हो गए हो मतलब। सो इंडक्शन ऑफ रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर बच्चे, क्योंकि हम उसी को यूज करते हैं, उसी अफेक्ट को यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले, ये लीडर बोर्ड तो यार बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब बार बार ये बीच में आ जाता है और ये बताता है हमें कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, हम कितने ज्यादा एंथुजियास्टिक है टू कम टू द लीडर बोर्ड। एंड यस आई कैन सी गौरी, ABCD, बेयरफुट, डॉक्टर ईशान, हेलो, रिशिता, नैना, एजेंट, SR, फिदा, ठीक है, वेरी गुड, C4 करेक्टो, C4 कोरोना, मेंटी से डर नहीं लगता बॉस, कोरोना से लगता है, कोरोना कोरोना, आंसर दो ना, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, कम ऑन एवरीवन। अ प्लांट हार्मोन यूज फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, अ हार्मोन यूज फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, एब्सिसिक एसिड, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, विच ऑफ द हार्मोन इज यूज फॉर इंड्यूस करता है बच्चे मॉर्फोजेनेसिस, सोच लो, ए एब्सिसिक एसिड होगा, बी गिब्रेलिन होगा, सी साइटोकाइनिन होगा, या फिर डी इथिलीन होगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन, एवरी हार्मोन देयर फंक्शन यू शुड नो, कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है, सौम्य रंजन कह रही है सी होगा, तो क्या सौम्य रंजन सही है, क्या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सही है। यस सो द करेक्ट आंसर इज एग्जैक्टली सी, जो बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में बताया था, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो साइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर, वो इंड्यूस करता है मॉर्फोजेनेसिस, साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, वन मोर क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन पे।
मेरा नाम ले लो कुलसुम, कुलसुम ने मुझे दीदी बना दिया है। कुलसुम यू सेड दीदी और दी। सो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ। ए आई ए ए बी एन ए सी इथाइलीन एंड डी काइनेटीन। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ। एनी वन, अ वेरी इजी क्वेश्चन। समय बीतता जा रहा है बच्चों। ओ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ने क्या बताया? ये बताया कि सी फॉर आंसर एंड सी फॉर क्यूट मैम। थैंक यू सो मच। इतलीन इज द करेक्ट आंसर, ये तो सबने आंसर दिया। अरे यार 328 लोगों को पता है, मतलब इसमें तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता कि इथिलीन तो भैया फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। एंड लीडर बोर्ड यू कैन सी ओवर हियर, लीडर बोर्ड में कुछ चेंजेस हुए हैं। हु वांट्स टू कम टू द नेक्स्ट लीडर बोर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू? पूर्व दत्त, नेक्स्ट बायोथॉन कल है बच्चे, कल बायोथॉन है नेक्स्ट, ओके। और 2021 के लिए कल स्ट्रैटेजीज का पार्ट टू आने वाला है, ठीक है। तो लीडर बोर्ड में भी है, डॉक्टर ईशान ने बाजी पलट दी है, बेयर फुट आ चुके हैं वापस। हेलो ऋषिता, नैना, गौरी, एजेंट एबीसीडी फिदा एंड वी हैव श्रीवर्षन। तो श्रीवर्षन की तरह ऑल ऑफ यू कम ऑन। यस नो अशय, लूजर कोई नहीं होता बच्चे। मैम भी बहुत बार पहले फेल हुई होंगी, कब पता नहीं बचपन में। तो मैम के लूजर है नहीं है, ठीक है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द इनकरेक्ट वन। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट, साइटोकाइनिन इज प्राइमरली कंसर्न विद सेल डिवीजन। सेकेंड, C2H4 ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डोमेंसी। थर्ड, ABA स्टिमुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एंड फोर्थ, C2H4 इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन सी इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। एंड फिफ्थ, ABA इज साइनर्जिस्टिक टू GA। एनीवन, समय का हो रहा है अभाव, तो चलो कर दो आंसर फटाफट, समय का अभाव है बच्चों। स्नेहा, अ वेरी गुड क्वेश्चन स्नेहा। इट्स अ हाईवे जस्ट नियर माय होम, ठीक है। और इसीलिए ना ऐसा लगता है कि डीजी मैम के ऊपर से ट्रक चल रहा है, राइट। सो आई कैन सी द करेक्ट आंसर इज सी, वाई सी। There were two statements incorrect. Who can tell me which two statements were incorrect? बताएगा कौन, बताएगा मुझे? दो statements incorrect थे। विनता is laughing. मुस्कान is laughing. सुब्रता hi. डॉक्टर रानी is laughing. स्नेहा is also laughing. स्नेहा very good question. तो मुझे बता दो statement incorrect थे। दो can you hear me? बफरिंग अब हो रहा है, बफर इज इट बफरिंग नाउ ऑल्सो। द गिवन डायग्राम शोज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू मुस्कान। अब नहीं हो रहा ना, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, ओके। सो इट्स कूल नाउ, यू जस्ट सेलेक्ट विच वन इज द ए बी सी एंड डी। कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा डी? अरे बाप रे, 191 लोगों ने बी सेलेक्ट कर दिया, बट द करेक्ट आंसर इज सी गाइज। वो मेजोकोटाइल था, मेजोकोटाइल था बच्चों, मेजोकोटाइल। क्लियर, अंडरस्टूड? सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का खतरा, ठीक है। 17 में होता है खतरा, है ना। आई कैन सी द लीडर बोर्ड, डॉक्टर ईशान, ऋषिता, एजेंट बेयरफुट, हेलो नैना, हेलो नैना, श्रीवर्षन अब 11492 पॉइंट्स पे है, फिदा, गौरी, राम, आशीष शर्मा। ओके सो लेट जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 17 का खतरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिबरेलिन्स इज इनकरेक्ट? GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट गिबरेलिन्स टू बी डिस्कवर्ड। ऑल GA आर एसिडिक,
They increase the length of the plant axis, as in grapes, sugarcane. They promote senescence. ओमकार, आई एम ऑल्सो न्यू. हम सेम सेम टीम में आ गए ओमकार बच्चे. चलो कोई बात नहीं है. सो बी डी ए सी डी ए कुछ कुछ हो रहा है. यस प्रमोद, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज डी. दे आर प्रमोटिंग सेनेसेंस बिकॉज जीए थ्री पहला गिब्रेलिन था वो करेक्ट है. गिब्रेलिक एसिड से पता चल रहा है वो एसिडिक है. वो इलोंगेशन में हेल्प करते हैं तो ये भी करेक्ट है. तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? बॉस, दे आर प्रमोटिंग सेनेसेंस. आ रहा है मजा क्वेश्चन सॉल्व करके? आर यू एंजॉइंग द क्वेश्चन? डी फॉर डॉक्टर एंड नीट तो आपका ये बॉस. यस कम ऑन, मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स बिलो. ठीक है? यस ममता, गिव द आंसर इन द मेंटी क्विज. क्या होगा आंसर? आई ए ए साइटोकाइनिन इथिलीन एक तरफ है, दूसरी तरफ है जहां पे वो सिंथेसाइज होते हैं. इज इट टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस, रूट एपिसेस, रूट एपिसेस? मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू. प्रमोद, शमी, शमी, अरे वाह शमी, ग्रेट. ओके द करेक्ट आंसर इज बी माय डियर किड्स. नहीं है बी, 166 स्टूडेंट्स ने बी कर दिया. ए इज द करेक्ट आंसर. नो, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है तो चलो ये आपको बहुत जरूरी है सोचना कि कौन सा हार्मोन कौन से पार्ट पे सिंथेसाइज होता है एंड विच हार्मोन का फंक्शन क्या है. ठीक है सो लीडर बोर्ड है यहाँ पे. Now it's A, it's A, it's A. Leaderboard is here. We have Dr. Ishan, we have Rishita, Agent Ram, Barefoot, Kanika, Hello, Naina, Shivarshan, Fida. Okay? So B नहीं है बच्चों, B is not the correct answer. A is the correct answer. Love you, Prince Gupta. तो ready for the 18th question. 18th question और 18th question. The 18th question is here on your screen. We are left. अच्छा 19th आ गया अब तो. 17 का खतरा हो गया, 18 हो गया. ठीक है? So the given figure below shows flowering response of the plant A, B, C. तीन प्लांट दिख रहे हैं बच्चों को. फोटो पीरियड का रिस्पॉन्स है. करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ए लॉन्ग डे प्लांट है, बी डे न्यूट्रल प्लांट है, सी शॉर्ट डे प्लांट. ए शॉर्ट डे, देन बी न्यूट्रल, सी लॉन्ग डे. ए लॉन्ग डे है, बी शॉर्ट डे है, या सी न्यूट्रल है, या ए शॉर्ट है, बी लॉन्ग है, और सी न्यूट्रल प्लांट है. एवरी वन ओके. सो वॉट इज अ लॉन्ग डे प्लांट? एनी वन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है? इन द चैट बॉक्स हु कैन टेल मी? यस ईशा, आई विल चेक. थैंक यू सौम्या. हां जी बताओ लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होता है? अच्छा प्रीवियस वाले को छोड़ो, प्रीवियस वाले को छोड़ो, एक बार इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ. लाइट रिक्वायर्ड, बट व्हाट इज लाइट? लाइट रिक्वायर्ड मतलब कितना? जो क्रिटिकल लेंथ से बहुत ज्यादा लाइट चाहिएगी तो उसको लॉन्ग डे बोलेंगे. क्रिटिकल जो ऑप्टिमम होगा लाइट रिक्वायरमेंट उससे कम में हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट. एंड न्यूट्रल प्लांट तो आपको पता ही है. ठीक है, फ्लावरिंग अबव क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, वेरी गुड पीनू. मोर टाइम इन सनलाइट, ग्रेट. हिमाचंद्र, वेरी गुड हिमाचंदना, वेरी गुड विनीता. यस हर्षा, आंसर करो मैम, बिल्कुल नाम लेगी. चलो सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन माय डियर किड्स. आज का 20 वाला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन. वर्नलाइजेशन पे मैम ने पहले भी मेंटी कराया था. वर्नलाइजेशन कैन ऑफन बी रिप्लेस्ड. कैसे रिप्लेस करोगे? ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से, गिब्रेलिन से, इथिलीन से? एनीवन? ग्रेट फरजाना, कम ऑन, 16 सेकेंड्स हैं आपके पास. वर्नलाइजेशन को कैसे रिप्लेस करोगे बच्चों? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिब्रेलिन, इथाइलिन? गिब्रेलिन नहीं रे बाबा. ओके, ए बी सी डी में से सी. Oh yes, so the correct answer for this question is C. Now the question is, what is vernalization or क्यों gibberellins से replace कर सकते हो? Anyone? Gibberellins क्यों use कर सकते हो vernalization में? Yes, Ankita Sahu, love half to you. ठीक है?
यस यस स्नेहा, वेरी गुड। वर्नलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हम प्लांट को कुछ डिग्रीज ऑफ ठंडे टेम्परेचर में रखेंगे या इंड्यूस करेंगे फ्लावरिंग को। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, वेरी गुड कुलसुम, थैंक यू विशाल, वेरी गुड तनिष्का। गिबरेलिन सीड डोरमेंसी को तोड़ देता है, इसलिए गिबरेलिन में हमने क्वेश्चन किया था कि वो सीड से, जो सेनेसेंस है वो नहीं होगा गिबरेलिन से, क्योंकि भैया जो खुद सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है क्या वो बुढ़ापा ला देगा? टेल मी दिस, टेल मी दिस। ओके, आज सारे सी ही है क्या? अरे सी फॉर क्यूट मैम, तो ऑब्वियसली राइट, सी फॉर मैम, सी फॉर क्यूट मैम, बोलोगे मैम अपनी तारीफ कर रही है ना। चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। एंड 4:30 को क्या है एवरीवन, 4:30 को क्या है? थैंक यू प्रियंका, व्हाट इज देयर 4:30? राकेश गोयल, शैतान बच्चे, सो ऋषिता इज द टुडेज विनर ऑफ द क्लास 14561 पॉइंट के साथ। ऋषिता, अ वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन टू यू माय किड। तो आपने देखा कि लीडर बोर्ड जब शुरू हुआ था तो कुछ और ही हाल था लीडर बोर्ड का, वैसे ही आपके नीट एग्जाम में भी हो सकता है। सो आई हैव कम अप विद 15 डेज का स्ट्रेटजीज। अगर आप टेंशन में हो, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा, तो मैम का वो वीडियो देखो। मैम ने कुछ कुछ ऐसे शायरी वायरी भी बोल दी थोड़ी बीच बीच में। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन एंड कंग्रेचुलेशन ऋषिता, ये है मैम का सेशन 4:30 को, ठीक है? सो ऑल ऑफ यू डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। एंड अगर ये आपको सेशन मजा आया तो प्लीज डाउनलोड द वेदांतु ऐप। वेदांतु हैज गॉट द यूजर्स चॉइस ऐप अवार्ड 2019 में। माई फैमिली, प्लीज लाइक द फैमिली, शेयर द फैमिली एंड सब्सक्राइब इट, ओके? ताकि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, मजा आया आज के सेशन में। नेक्स्ट जो आपका रैंक बूस्टर होगा एवरीवन, उसमें वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट चैप्टर। ये 14 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, इफ यू रिमेंबर। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 था ये। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। चैप्टर 14, चैप्टर 15 था, उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर 12 पे और चैप्टर 13 पे। हम प्लांट फिजियो कवर करेंगे एंड दिस वे वी आर गोइंग टू डू मेंटी क्विज इन एवरी चैप्टर। पर्टिकुलर चैप्टर्स हम लेंगे और इससे आपके नीट से पहले बॉटनी इज खत्म, ठीक है? क्लियर एवरीवन? सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट माहौल इन द चैट बॉक्स एंड क्विज के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषिता, थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी या, बाय बाय।